तो वेलकम गाइज, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले, हमारे पास है पीसी और पीसी में हो चुका है एक प्रॉब्लम। जैसे कि आप देख पाएंगे इसका डिस्प्ले का स्क्रीन है, जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है बहुत ही ख़राब हो चुका है। मतलब कि डिस्प्ले यहाँ पे आधा दिखा रहा है और यहाँ पे इस साइड से ब्लैंक दिखा रहा है और कुछ इस तरीके से एरर आ चुका है। तो इसे हम ठीक करने वाले हैं। अभी आप देख पाएंगे साइड में यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले ब्लैक आ रहा है और साइड में हमारा चल गया है। तो ये पूरा स्क्रीन का डिस्प्ले थोड़ा सा चेंजेस हो चुका है। तो हम इसका रेजोल्यूशन ठीक करने वाले हैं। किस तरीके से ठीक करेंगे आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। तो लेट्स बिगिन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करके रखना, क्योंकि हमारे चैनल पर टेक्नोलॉजी ऑल रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप देख पाएंगे कि हमारी स्क्रीन का डिस्प्ले है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो अभी आपको ठीक करने के लिए करना क्या है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप माय कंप्यूटर मतलब कि ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद आप देख पाएंगे कई सारे ऑप्शंस आपको ऊपर नीचे आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको लास्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि आप देख पाएंगे इस पर आपको क्लिक करते ही आप देख पाएंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस, कई सारे सेटिंग, यहाँ पे डेस्कटॉप की स्क्रीन की सेटिंग भी यहाँ पर आती है। आप देख पाएंगे आपको जो सेटिंग करनी है वो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पाएंगे ऊपर नीचे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे डिस्प्ले वाला ऑप्शन है। तो आप देख पाएंगे डिस्प्ले पे ऊपर क्लिक करके आप डिस्प्ले की साइज़ को चेंज कर सकते हो, और साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं कई सारे। तो चलिए मैं डिस्प्ले के स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप चेंजेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्लिक करके थीम को चेंज कर पाएंगे, जैसे कि आप देख पाएंगे। सबसे पहले तो थीम आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कीजिए, या तो आप, चलिए मैं स्क्रीन का रिलेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसकी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन की रिकॉर्ड करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको देखने में क्वालिटी अच्छी लगे। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, राइट साइड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप देख पाएंगे यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशंस हैं, और राइट क्लिक करके आप रिफ्रेश कीजिए। और सबसे पहले तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, माय कंप्यूटर को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ऑप्शंस है कई सारे, और यहाँ पे ओपन कंट्रोल पैनल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको क्वालिटी देखने को मिल रही होगी, अभी आप देख पाएंगे कई सारे सेटिंग आपको मिल रहे होंगे। यहाँ पे डिस्प्ले वाला ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर डिस्प्ले की सेटिंग को भी चेंज कर पाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग पर क्लिक कीजिए, जैसे यहाँ पर क्लिक करते तो अभी आप देख पाएंगे आप सेटिंग को चेंज कर पाएंगे। यहाँ से पूरी सेटिंग को चेंज करने के लिए आप मिडल, लार्ज या तो आप कम भी कर सकते हो। तो चलिए मीडियम साइज में क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे मीडियम पर क्लिक करते ही तो अभी आप देख पाएंगे मीडियम साइज़ में स्क्रीन की डिस्प्ले की कर देता हूँ, और अप्लाई पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लॉगआउट लेटर करना है, इस तरीके से क्लिक करते ही आप देख पाएंगे कि आपको कैंसिल करना है। और चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि स्क्रीन की जो हमारी स्क्रीन है आधी दिख रही ना, तो इसे ठीक करने के लिए आपको करना क्या है, तो राइट साइड पे क्लिक करके आपको रिफ्रेश एक बार कर लेना है। फिर से एक बार राइट साइड पे क्लिक करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको सबसे नीचे आना है, सबसे नीचे आपको स्क्रीन रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा ऑप्शन। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन की कई सारी सेटिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको चेंजेस करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप देख पाएंगे। तो अभी आपको नीचे आना है, स्क्रीन रिजोल्यूशन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जो आपको सेटिंग चेंज करना है यहाँ पे आपके डिस्प्ले की सेटिंग को चेंज करना है, तो वही आप कर सकते हो। आपका जो मॉनिटर आपके हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, जैसे अभी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, कीप चेंजेस यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देख पाएंगे आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको सेव करना है। और इस तरीके से हमारा डिस्प्ले पूरी तरीके से सेटिंग हमारी चेंज हो चुकी है, पूरी तरीके से हमारा ठीक हो चुका है डिस्प्ले। अभी आप देख पाएंगे स्क्रीन हमारी पूरी तरीके से ठीक ठाक हो चुकी है। दोस्तों अभी तक आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन ठीक नहीं हुआ है, तो आपका मॉनिटर के हिसाब से आप यहाँ पर चेंजेस करके चेक कर सकते हो, जो आपके मॉनिटर को यहाँ पे ठीक आएगी तो वही आपको सेलेक्ट करना है। चेंज करके आप इसी तरीके से चेंज कीजिए, ओके प्रेस कीजिए, और उसके बाद कीप चेंजेस पर क्लिक कीजिए, तो आपके स्क्रीन डिस्प्ले की स्क्रीन है जो इस तरीके से सेट हो जाएगी।
तो इस तरीके से सेट करने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसी तरीके से सेट कीजिए, जो आपकी डिस्प्ले है वही आप चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मतलब कि स्क्रीन का डिस्प्ले चेंज कर पाएंगे सेटिंग को और ठीक ठाक कर पाएंगे। तो चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करना ना भूलेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल पर इस तरीके से वीडियो आती रहती है। तो बाय बाय।